नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और साथ में एक बेल बटन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे। तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो बड़ा ही रोचक विषय है। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मोटापा कैसे कम करें। आजकल गलत खान पान, रहन सहन और खाने पीने के तरीके में बदलाव आने की वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता, जिस कारण से हमारे शरीर में अनेक विकारों की उत्पत्ति होती है। मोटापा होना भी एक विकार है, जिसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं वो अब हम आज इस वीडियो में बताएंगे। और उसमें किसी तरह की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये केवल आप अपने घर पर बैठकर ही अपना वज़न कम कर सकते हैं। इसमें केवल आपको ज़रूरत पड़ेगी 2-3 चीज़ों की, जिसमें आप मैं बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा समय तो मैं लूँगा नहीं। अगर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो 1-2 घंटे निकल जाएंगे इसी में। देखिए, तो अब हम आते हैं मुद्दे पर। तो समस्या क्या है कि आजकल जो हमारा खान पान है वो ठीक ठाक नहीं है, कि जिससे कि खाना हमारा पच नहीं पाता और खाना हमारा शरीर में पड़ा हुआ वो मोटापे को जन्म देता है। तो हमने भी ये प्रयोग लास्ट ईयर किया था, तो हम पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन 4-5 किलो हमने वज़न कम कर लिया था। तो अभी क्या करेंगे हम, हमें गुड़ भरपूर मात्रा में खाना है। ये जो अभी 3 महीने हैं, दिसंबर, जनवरी और फेब में, आप मार्च में भी ले सकते हैं होली तक, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इन 3 महीनों में अगर आप भरपूर गुड़ का, मूंगफली का, बादाम का और तिल का, इनका अगर सेवन करते हैं भरपूर मात्रा में, तो आपका वज़न 8 से 10 किलो आराम से कम हो जाएगा। अब इसके पीछे वैज्ञानिक मत क्या है, इसमें क्या है कि जब हमारे शरीर में अम्ल बढ़ता है तो उस समय हमारे शरीर में मोटापे की वृद्धि होती है। तो इस अम्ल को जो काटता है, क्योंकि गुड़ क्षारीय है, मूंगफली क्षारीय है, तिल क्षारीय है, तो ये इन सब चीज़ों का जब हम सेवन करेंगे तो हमारे शरीर से अम्ल जो बढ़ा हुआ है हमारा, वो इससे नियंत्रण में आ जाएगा। तो हमारा शरीर जो है वो मोटापे की बजाय हमारा वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी जानकारी जो आपको बताया। हाँ, और इसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको पानी बैठ के पीना है, खड़े होकर नहीं पीना है, और गर्म पानी का जहाँ तक हो तो सेवन करें। तो आज की जानकारी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,